गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। शीतलता दे गुरुवर, क्या देते हैं शीतलता? अगली पंक्ति पर श्रोता ध्यान देना कि शीतलता दे खुद जल जाना। गुरुवर जलते हैं तब की अग्नि में, महाशक्ति यज्ञों में, तब जाकर हमारे घरों में सुख शांति समृद्धि आती है। शीतलता दे खुद जल जाना सबके बस की बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। अनुष्ठान कथा यज्ञ भागवत होती है और होनी चाहिए, हमारी संत सनातन संस्कृति है। पर जो भी पूजनीय दीदी जी ने कहा था कि आत्मसात करें, मेरी अगली पंक्ति पर ध्यान दें के अनुष्ठान कथा यज्ञ भागवत लाखों होती दुनिया में। अरे लाखों होती दुनिया में, लाखों होती दुनिया में, लाखों होती दुनिया। हमने कहा आवाज दबी पे मत जाना, शब्दों पे ध्यान देना। अनुष्ठान कथा यज्ञ भागवत लाखों होती दुनिया में, लाखों होती दुनिया में, लाखों होती दुनिया में, लाखों होती दुनिया में। पर अनुष्ठान कथा यज्ञ भागवत लाखों होती दुनिया में, मेरा कहना पर महाशक्ति यज्ञ रचाना, पर महाशक्ति यज्ञ रचाना सबके बस बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। अगली पंक्ति, योगी साधु और सन्यासी देखो अनेकों दुनिया में, देखो अनेकों दुनिया में, देखो अनेकों दुनिया में, देखो अनेकों दुनिया में। हम सभी साधु संत सन्यासियों को वंदन नमन करते हैं, अनेकों साधु संत हैं, पर जो मैं कह रहा हूं उसका ध्यान देना। के योगी मुनि साधु सन्यासी देखो अनेकों दुनिया में, पर अग्नि के पथ पर चल जाना, अग्नि के पथ पर चल जाना सबके बस की बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना
सबके बस की बात नहीं। गीत को लंबा है, संक्षिप्त में निपटाऊंगा क्योंकि हमारे और भाई बैठे अभी भजन गाने के लिए। अगली पंक्ति सुने आप दिल धाम कर। मैंने चार पंक्तियां लिखी थी लोकेंद्र भाई सीमा पे जो सैनिक, आज जब हम यहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे, हमारा सैनिक अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर अभी खून बहा रहा है, तब हम यहाँ सुरक्षित बैठे। मेरी चार पंक्तियां थी कि ना हिंदू के लिए लड़ते हैं, ना मुसलमान के लिए लड़ते हैं, ना गीता के लिए लड़ते हैं, ना कुरान के लिए लड़ते हैं, ना उपाधि के लिए लड़ते हैं, ना सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम नमन करते हैं वीर सपूतों को जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं। अगली पंक्ति देखें आप के भारत माता मेरी माता, भारत माता मेरी माता, ये तो सब कहते रहते, 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 ये तो सब कहते हैं कि भारत माँ मेरी माता। भ्रष्टाचारी राजनेता कहते हैं, अधर्म धर्म गुरु कहते हैं, सब कहते हैं भारत माता मेरी माता। ये कहना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है अगली पंक्ति सुने आप के भारत माता मेरी माता, ये तो सब कहते रहते, पर मातृभूमि पर प्राण गंवाना, मातृभूमि पर प्राण गंवाना सबके बस की बात। गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं। और अंतिम पंक्ति, नाम किसी का नहीं लूंगा लेकिन सब समझ जाए, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, बड़ी प्यारी पंक्ति है। आजकल समाज में जैसे बरसात में नहीं वो छत्ता वाले क्या कहलाते हैं, एक महोदय ठीक है चलो वो अलग है। सुने अगली पंक्ति, जब साधना करते हैं तो सिद्धियां मिलती हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं, गुरुदेव जी कहते साधना करो सिद्धि मिलेगी, उन सिद्धियों का उपयोग क्या कर रहे हैं। एक संत ने पूरे जीवन भर तपस्या की और शक्ति आई, अब शक्ति का आनंद देख रहे हैं आप। पानी गिर रहा था, बोले रुक जा, रुक गया, समाज का क्या हित हुआ भाई। गर्मी थी बहुत गर्मी, गर्मी किसकी कृपा से, माँ की कृपा से। ठंड किसकी कृपा से, माँ की कृपा से। बरसात किसकी कृपा से, माँ की कृपा से। प्रकृति के कार्य में रोक छेड़ नहीं करनी चाहिए, वही कर्तव्य है। गर्मी आई बोले पानी बरस जा, पानी बरस गया, शक्ति सब चली गई, खट्टू नहीं बचा। ये प्रकृति के नियमों के विपरीत गुरुवर कहते हैं कभी प्रकृति से छेड़छाड़। सुने पंक्ति बड़ी मजेदार पंक्तियां है, कोई खपरी सा भगा रहा है ये सिद्धियां, तो खपरी सा भगाने वालों को जब गुरुवर ने कहा भैया ने तो नाम ही ले लिया, तो मैंने कहा थोड़ी सी बात, गुरुवर ने कहा कुछ मत करो, ठंड में बस एक वस्त्र के भर रह जाओ। तुमने एक दिन प्रयास किया कि चलो गुरुजी ने कहा है, बोले हम चैलेंज स्वीकार करते हैं। तो गुरुजी ने कहा चैलेंज बाद में करना, पहले एक हफ्ते या ठंड में एक कपड़ा के बगैर रह लो, मतलब एक ही कपड़ा पहनो जो पहने। तो उनने स्वेटर नहीं पहना, जर्सी नहीं पहनी, उनको ऐसी सर्दी हुई, ऐसा जुकाम हुआ के यूं बिल्कुल क्या पता। ये सिद्धियां हैं बताइए आप, तो इसलिए मैंने लाइन लिखी है के साधना करके
तिथियों को तो कोई भी पा सकता है, कोई भी पा सकता है, कोई भी पा सकता है, कोई भी पा सकता है। साधना करके सिद्धियों को तो कोई भी पा सकता है, लेकिन अब ध्यान आ जाएगा मैं कहां की बात कर रहा हूं, अभी कहां की वो समझ गए। अब अगली पंक्ति सुने आप, साधना करके सिद्धियों को तो कोई भी पा सकता है, लेकिन परमा को साकार बुलाना। किसने बुलाया मां को साकार? गुरुदेव भगवान ने अपनी तपस्या के बल पर। परमा को साकार बुलाना सबके बात नहीं, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की बात नहीं, गुरुवर जैसी कृपा लुटाना सबके बस की।